इस तरफ हम इंडिया में हैं, बस एक कदम की दूरी और हम पाकिस्तान में होंगे। वेलकम टू पाकिस्तान। ये हमारा इंडिया का गेट है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का। यहाँ से हमारे इंडिया का और पाकिस्तान का दोनों फ्लैग नजर आने लगे हैं। लाहौर रेलवे स्टेशन 23 किलोमीटर, 2.8 के हिसाब से दिया है 11,200। देख लीजिए पाकिस्तान की करेंसी एकदम ग्रीन कलर। ये देखो इस सब पाकिस्तानी जो इंडियन को हेलो कर रहे हैं, पूरी आवाम। हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी अपनी जो, ट्रैवल विद जो चैनल पे एक बार फिर स्वागत करती हूं। फिलहाल मैं हूं अभी इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर। मेरे पीछे देख रहे हैं यहां से होगी इंडिया की एंट्री और हमारा जो है इमिग्रेशन प्रोसेस वगैरह होगा यहां इंडिया वाली साइड से और फिर होगा पाकिस्तान की साइड से। तो आज हम जाने वाले हैं बैसाखी के शुभ पावन अवसर पर पंजा साहिब गुरुद्वारा, जो कि लगभग यहाँ से 600 किलोमीटर की दूरी पर है। ये हमारी जर्नी होगी आज ट्रेन से, बहुत ही यूनिक और अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा और आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की ट्रेन्स कैसी होती है। सबसे पहले गाइस, जैसा कि आज का व्लॉग आपने इंट्रो देख लिया है, आज का व्लॉग जो है ना बहुत ही जबरदस्त है, जिस पर हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मजा आएगा। एक इंडियन गर्ल जो पाकिस्तान में वाघा बॉर्डर क्रॉस कर रही है, पाकिस्तान इंटर हो रही है, तो जबरदस्त व्लॉग है। वीडियो का सीन देखने वाला है, वीडियो को लास्ट तक बनिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इमिग्रेशन प्रोसेस वगैरह कंप्लीट करते हैं क्योंकि अंदर सिक्योरिटी पर्पज से वीडियोग्राफी तो अलाउ नहीं होगी, बट यहाँ बाहर का माहौल देख लीजिए। और भी बहुत सारे यात्री हैं जो आए हुए हैं, जो जिन्होंने वीज़ा लिया है अपना पाकिस्तान जाने के लिए, जिसमें रिलीजियस वीज़ा रहता है, ये पिलग्रिम वीज़ा, वो 10 दिन के लिए है। ये हमारे लिए, हमारे पास पासपोर्ट है, वीज़ा है, तो हम जाने बहुत एक्साइटेड हूँ। एक बार यहाँ का माहौल देख लो। जब नॉर्मली शाम को परेड के समय आते होंगे तो बहुत ज़्यादा खचा खच होता होगा। यहाँ पर दुकानें भी अभी बंद है, इस वजह से शाम को ओपन होंगी जब परेड होगी तब, ठीक है। अभी का माहौल ऐसा है यहाँ का। तो जीरो लाइन से अभी आए हैं अंदर की तरफ, जहाँ पे होगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट। तो यहाँ पीछे ये है ना टर्मिनल बना हुआ है, यहाँ तक अगर आपका लगेज ज़्यादा है तो आपको ऐसे कुली भैया है ये ट्रॉली, इसकी सर्विसेज मिल जाएगी। 200 रुपीज़ बोल रहे हैं अगर आपका लगेज लेके जाना है, तो इतना लगेज नहीं है। आई थिंक आप भी अगर आए ना तो कैरी ज़्यादा ना करें, एक ट्रॉली करें ताकि आपको ईजी हो, कन्वीनियंट हो जाने में। यहाँ पर बना हुआ है यात्री टर्मिनल और जहाँ से होगा इमिग्रेशन प्रोसेस। तो इमिग्रेशन काउंटर पे आ रहे हैं तो इस टाइप का फॉर्म आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो हर जो भी इंडियन जाना चाह रहा है ना, उसके लिए इस टाइप का फॉर्म है जो फिल करना है आपको। पोलियो ड्रॉप, पोलियो ड्रॉप्स तो बुन जिंदगी की। इंडिया साइड से भी इमिग्रेशन चेक पोस्ट क्लियर हो चुका है और यहाँ पीछे बसेस की सुविधाएं हैं जो कि आपको 0 पॉइंट तक छोड़ेंगी। उसके बाद फिर पाकिस्तान इमिग्रेशन ऑफिस में जाना होगा, वहाँ से हमारा इमिग्रेशन और करेंसी वगैरह वो सब ले सकते हैं। अंदर तो वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है, बट फिर भी जो भी प्रोसेस होगी वो मैं आपको शेयर करती रहूँगी। जैसे ही इमिग्रेशन हम क्लियर करते हैं इंडिया की साइड से, तो हमें दिखने लग जाते हैं दोनों कंट्री के फ्लैग, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इस टाइप की बसेस जो है वो यात्रियों के लिए अरेंज की गई है, तो मतलब लगभग 4-5 बसेस हैं जो कि आपको 0 लाइन तक छोड़ के आएंगे। तो जैसे यहाँ पे एंट्री करेंगे ना इमिग्रेशन ऑफिस में, तो आपको पोलियो ड्रॉप्स की 2 बूंदें पिलाई जाती है, बहुत ही कड़वी। पोलियो ड्रॉप्स लेना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। बस ने हमें यहाँ पे ड्रॉप कर दिया जहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है। लो जी, यहाँ से इंडिया का आपको एंट्रेंस दिखाई देने लगेगी, पूरी सिक्योरिटी है यहाँ पे। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अटारी बॉर्डर पर और पीछे देख रहे हैं हमारे इंडिया का फ्लैग है और दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो है पाकिस्तान का फ्लैग। और यहाँ पे हम 0 चेक पोस्ट पे है, 0 पॉइंट से हम क्रॉस करके अभी जाने वाले हैं पाकिस्तान। परेड के समय आते हैं ना तो पूरा खचा खच होता है और हुटिंग होती है भारत माता की जय, परंतु आज खाली है, बस यात्री ही हैं जो जा रहे हैं आज। और ऊपर देखिए फ्लैग पाकिस्तान का यहाँ से दिखने लगा है और इधर हमारा इंडिया का फ्लैग, जय हिंद। यहाँ से हो चुकी है BSF एंट्री और ये हमने इंडिया की लाइन छोड़ दी है पीछे। और यहाँ से हमें नज़र आने लगा है पाकिस्तान का गेट। ये हमारा इंडिया का गेट है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का। तो फाइनली ये है 0 लाइन। सो इस तरफ हम इंडिया में हैं, बस एक कदम की दूरी और हम पाकिस्तान में होंगे। वेलकम टू, देख जी ये है देखने वाला विला, कितना जबरदस्त है, कितना यानी कि इंडियन गर्ल है तो इंडियन गर्ल, लेकिन वो यानी कि पाकिस्तान इंटर हो रही करतारपुर, यानी कि ये जो है ना सिख बिरादरी है इसमें।
ये जिनके पाकिस्तान अब वाघा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं कितने खुश नजर आ रहे हैं आपको, इनकी वीडियो बहुत ही कमाल की। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना गाइस। पाकिस्तान ये थैंक यू वेरी मच। पासपोर्ट दिखाओ। ये लो जी पासपोर्ट। ज्योति मल्होत्रा। आज मौसम ने साथ दिया, कुछ भी कहो, इतनी गर्मी नहीं है, वरना कल तक तो बस पसीने छूट रहे थे। शुक्रिया। कोई गल नहीं जी। अच्छा। और इधर पाकिस्तानी आर्मी, उधर है हमारी इंडियन आर्मी, सल्यूट। चले वेलकम टू पाकिस्तान। मशीन ओके सिक्योरिटी। थैंक यू। ये सिक्योरिटी कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। थैंक यू। ये देखिए इधर आ चुके हैं हम पाकिस्तान के गेट को क्रॉस करके। तो ये देख लीजिए यहाँ से हुई है एंट्री, ये है एंट्रेंस। इधर होती है पाकिस्तान की परेड और यहाँ पे पाकिस्तानी ऑडियंस देखती है और उधर हमारी इंडियन ऑडियंस। ये है परेड का ग्राउंड, बहुत ही शांत माहौल है अभी। अटारी बॉर्डर और बाघा बॉर्डर आज दोनों को क्रॉस करके हम पहुंच चुके हैं पाकिस्तान। दोनों देशों की, दोनों मुल्कों की दूरी निश्चित है कि तय होगी आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से। यहाँ तक तो हमारा नेटवर्क एयरटेल काम कर रहा है, बट जैसे ही वहाँ जाएंगे तो बंद हो जाएगा सब नेटवर्क। शुक्रिया। नहीं नहीं हम ले जाएंगे, थोड़ा सा ही है लगेज। शुक्रिया। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन डेस्क है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो, और इधर फर्स्ट एड की सुविधा भी मिल जाएगी इमिग्रेशन के लिए। सत श्री अकाल जी, बहुत बढ़िया जी। इमिग्रेशन के लिए सीधा जी, ठीक है, शुक्रिया। आप अकेली? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ से हमारे इंडिया का और पाकिस्तान का दोनों फ्लैग नजर आने लगे हैं और यहाँ से हो चुकी है हमारी एंट्री। चलते हैं इमिग्रेशन चेक पोस्ट पर। उधर उधर यहाँ देखो फोटोग्राफी चल रही है, आई लव पाकिस्तान लिखा हुआ है इसके साथ। यहाँ पे इस टाइप की पुलिस की गाड़ी है, देख लो ऐसी यूनिफॉर्म होती है। सामने बस आ रही है। ये देखो पालकी साहब की गाड़ी है, कितनी खूबसूरत लग रही है। सब मत्था टेक के जा रहे हैं। वाहेगुरु श्री वाहेगुरु सच्चे पातशाह मेहर करे। यहाँ पे भी आपको ऐसे ना लगेज की व्यवस्था मिल जाएगी, अगर आपको ले जाना है ना तो लगेज इस टाइप से ट्रॉली की खुली भैया है, यहाँ पे ये व्यवस्था मिलेगी आपको। तो देखो यार क्या मस्त वेलकम हो रहा है यहाँ पे फ्लावर से और ये बुके। अरे बाबा पकड़ू कैसे इसको, ये देखिए मिला है बुके। वेलकम टू पाकिस्तान, एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा मिलेगा। और यहाँ पे चाय पानी वगैरह की भी व्यवस्था है, तो देखते हैं हमें सबसे पहले ग्रैंड वेलकम हुआ, इससे खुशी मिली। देखेंगे पाकिस्तानियों ने भी इंडियन को यानी कि वेलकम किया, यानी कि इंडियन खुश हो रहे हैं पाकिस्तान आकर, क्योंकि पाकिस्तान अमन का मुल्क है, यहाँ पर सुकून अमन से यानी कि पाकिस्तान में बसता है, तो पाकिस्तान इंडिया को भी वेलकम किया है। तो देखें ये है इंडियन लोग यानी कि पाकिस्तान में आते हुए कितने खुश नज़र आ रहे हैं। इस तरह हम अगर पाकिस्तानी जाएँ तो इंडियन में शायद इंडियन भी इस तरह का यानी कि बिहेवियर ना करें, लोग इस तरह का ना रखें जिस तरह पाकिस्तानी रखते हैं। मैदे की दवाई है बोल रहे हैं, जो खाओगे सबको हजम कर देगा। ये रोबजा और शरबत है, काफी चीजें मिली हुई। मीडिया कवरेज चल रही थी तो काफी अच्छा स्वागत हो रहा है यहाँ पे, अच्छा उम्मीदें हैं काफी। जी आया नू। इधर देखो आपको है ना गुरुद्वारे बहुत सारे, इसमें डेमोन्स्ट्रेशन किया हुआ है जिसमें हमें यहाँ जाना है। जैसे यहाँ पे ये गुरुद्वारा है पंजा साहिब, देखिए ये करतारपुर, यहाँ पे हम सब जगह अभी दर्शन करने के लिए जाएंगे वन बाय वन। इंडिया पाकिस्तान बाय लिटरल प्रोटोकॉल के तहत 3,000 से ज़्यादा वीज़ा इस समय बैसाखी अवसर पर नहीं अलाउ किए जाते। इस बार भी 3,000 से कम है, 2,000
600 समथिंग हो सकता है कि अगर आप वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको इस समय ना मिले तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम फिर से अप्लाई करेंगे तो हो सकता है मिले। मेरा भी 2 बार नहीं मिला, 3री बार में मैं पहुंची हूँ फाइनली। भक्तों की लाइन लगी हुई है जो कि आप दर्शन करने के लिए जाएंगे ट्रेन से पंजा साहिब के लिए। इधर सिक्योरिटी देखिए पाकिस्तान की इमिग्रेशन के बाहर पूरी सिक्योरिटी है, ऐसे हाथ पकड़ के कोई पैसेंजर ना जा पाए। 125वें खालसा सिरजना दिवस की अलग अलग बधाई। और इधर देखो यहाँ पूरी सिक्योरिटी भी टाइट है इमिग्रेशन कस्टम क्लियरेंस ऑफिस के बाहर। यहाँ पे ना काउंटर्स बने हुए हैं जहाँ पे आपको इस टाइप का आइडेंटिटी पास मिलेगा, 10 दिन के लिए वैलिड है, 13 से 23 अप्रैल के लिए। तो यहीं से आपको इस टाइप का आइडेंटिफिकेशन कार्ड मिल जाएगा जो आपको अपने पास रखना है संभाल के 10 दिन जब तक आप यहाँ पे यात्रा पे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे अकोमोडेशन स्लिप भी मिल चुकी है, जहाँ जहाँ हमारा अकोमोडेशन होने वाला है गुरुद्वारे में उनके रूम नंबर यहीं से अलॉट हो जाते हैं, तो आपको आगे जाके ना कोई परेशानी नहीं होगी, यहीं पे सब कुछ आपको हैंड ओवर कर देंगे। हमारे साथ एक और यूट्यूबर भी हमें मिले हैं, आइए उनसे मिलिए। देखिए सामने बना हुआ है। देखिए जी हमारा चैनल भी लाइक जरूर करता है, जिस तरह उन्होंने अपने इंडियन का साथ दिया है कि हमारा चैनल का नाम ये है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और इस तरह हमारे चैनल पाकिस्तान रिएक्शन चैनल को भी सब्सक्राइब गाइस कर देना। अगर वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एक्सचेंज काउंटर तो यहाँ से लेते हैं हम पाकिस्तानी करेंसी। इधर हमने करेंसी एक्सचेंज कराई है 4000 के, देखते हैं कितने मिलते हैं। हमने दिए इंडियन करेंसी के 4000 INR। तो देखो हमें मिले हैं यहाँ पे 4000 के, 11200 इन्होंने कैलकुलेट किया है, 2.8 के हिसाब से दिया है 11200। ओके तो देखो यहाँ पे हमारे लिए अभी अरेंजमेंट्स हैं आगे बस के, इस टाइप की जो ये बस है अली टूर्स, इस बस से हमें अभी कह रहे स्टेशन तक लेके जाएंगे। स्टेशन स्टेशन कितना दूर है यहाँ से, स्टेशन कितना दूर जा रहे हैं? हाँ 4-5 किलोमीटर। तो ए बस फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, चार्ज है, ए फ्री है, बट ट्रेन की टिकट पे करना पड़ा ना। ठीक है जी ओके। इस टाइप की बस है देख लो, पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रधान है सरदार रमेश अरोड़ा, और ये पंजाब के मंत्री भी है। अच्छा भी है पंजाब, अच्छा पंजाब पाकिस्तान जी, उसके मंत्री भी है जी जी। SGPC के मेन प्रबंधक है ना सर, प्रधान है, और साथ में पंजाब पाकिस्तान के मिनिस्टर भी है। मिलके बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स है फिलहाल अभी तक तो बहुत अच्छे लगे सर। आप भी आइए सर कभी हमारे इंडिया, बिल्कुल ठीक है, आप हमारे मेहमान हैं। अभी आज जो 3000 का जत्था पाकिस्तान के लिए जा रहा है ये बिल्कुल हमारे साथ का ताज है, और यहाँ पे वेलकम करने के लिए पूरी पंजाब की मशीनरी मोबिलाइज है। हमारे वेपर टच प्रॉपर्टी बोर्ड यहाँ पे मौजूद है, पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मौजूद है, हमारे जितने भी इंफोर्समेंट एजेंसी आपको सिक्योरिटी प्रोटेक्शन देने को तैयार है। आप आज पंजाब से जा रहे हैं, पंजाब साहब में आपको वहाँ पे लंगर का, रिहायश का, मेडिकल का सारे इंतजाम है, और हम चाहते हैं कि आप कहीं दर्शन कर सकेंगे बड़ा कंफर्टेबल हो, और जब आप जाकर वापस जाए तो बच्ची याद देने के पास। और आपको हमारी तरफ से खासा जन्मदिन की मुबारक। शुक्रिया अरोड़ा जी। देखो भाई सारी प्रोसेस हो चुकी है, अभी इमिग्रेशन की करेंसी एक्सचेंज करवा ली है, हमें एक आइडेंटिटी कार्ड मिल चुका है जो कि हमारी पूरी यात्रा के दौरान हमारे साथ ही रहेगा। मोबाइल चार्ज नहीं था तो पावर बैंक भी साथ में रखना पड़ता है, स्ट्रगल है। ये है हमारी बस, इस बस से हम लोग जाएंगे अभी रेलवे स्टेशन के लिए। काफी मजा आने वाला है, पाकिस्तान की ट्रेन में भी जर्नी करने को मिलेगी। तो इस टाइप की है ये बस, मुझे तो काफी कम्फर्टेबल लग रही है देख के, कितना दी वधिया और ठीक हो? सत श्री अकाल जी, आप है सर, आपका नाम? मोहम्मद शहद। मोहम्मद शहद जी आज हमारे साथ ड्राइवर जी, यहाँ से देखो मौसम देखो बहुत प्यारा हो गया, लुत्फ उठाइए, आज बारिश शुरू हो गई जैसे ही हम यहाँ बस में बैठे। हाँ जी और सब खैरियत हो दिया? शुक्र है, शुक्र है। तो इधर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है, एम्बुलेंस की सुविधाएं भी तुहानू मिल जाएंगी। देख लीजिए पाकिस्तान की करेंसी 1000 रुपए का और 500 रुपए के हमें नोट मिले, 1000 का कुछ ब्लू कलर में है और 500 का देखिए एकदम ग्रीन कलर ऐसा है। देखें जी इंडियन ने पाकिस्तानी करेंसी को यानी कि पहली बार देखा है, उन्होंने जब करेंसी एक्सचेंज की तो इनके बहुत खुश हो रहे थे,
पाकिस्तान की इनकी करंसी ये दिखा रहे हैं सामने इनके बार बार। लेकिन ये पाकिस्तान की जो करतारपुर है जो है सबसे ज़्यादा यानी कि यहाँ पर जो सिख बिरादरी कतारों की सिख बिरादरी यहाँ पर विजिट करती है क्योंकि पाकिस्तान जो है बॉर्डर उनके लिए यानी कि जो ओपन किया है, तो इस वजह से यानी कि ये जो लोग हैं सिख बिरादरी ये ज़्यादातर यानी कि वाघा बॉर्डर से करा सकते हैं। पूरा दिन लग गया इमिग्रेशन वगैरह चेक पोस्ट क्लियर करने में, पूरा दिन लग जाता है। अब ये लोग शाम की परेड देखने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा और डिले हो जाता ना तो हम भी परेड देख पाते। नॉर्मली इंडिया साइड से तो हमेशा देखी है, आज पाकिस्तान वाली साइड से भी देखने का मौका मिलता बट थोड़ा सा अर्ली भेज दिया। ये भी जो लोगों का एक्साइटमेंट है ना देख के मजा आ रहा है। ये हमारी बस है, मुझे तो अभी तक काफी कम्फर्टेबल लग रही है और कंडक्टर सीट तो मेरे लिए फाइनली पहुंच गए हैं वाघा स्टेशन पे और इस ब्लॉग को यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाएंगे यहाँ पाकिस्तान की ट्रेन जर्नी कैसी होगी, एक्सपीरियंस बहुत मजा आने वाला है। स्टे ट्यून गाइस, ट्रैवल विद जोश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए और पॉजिटिविटी को, प्यार को, मोहब्बत को ऐसे ही बस बढ़ाते रहिए। टेक केयर, गुड बाय। और इस टाइप से यहाँ पे पाकिस्तान में मीडिया कवरेज भी चल रही है। पाकिस्तान से आके और एंटर किस तरह आपका इस्तकबाल किया जाए, आप मुझे बताएं कि कितने दिन के लिए आप यहाँ पर आई हैं और कहाँ कहाँ आप जाएंगी? 10 दिन के लिए आए हैं, ये वीज़ा 10 दिन के लिए मिला और हम पंजा साहिब, ननकाना साहिब, सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे जाने की है लाहौर। कहते लाहौर नहीं वेख्या तो फिर जमया ही नहीं, ठीक है। बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके, ग्रैंड वेलकम हुआ ना, दैट्स कमेंडेबल, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ सिख यात्री मौजूद थे जो गाइस वीडियो कैसी लगी, आज का व्लॉग, आज का रिएक्शन वीडियो बहुत ही कमाल थी। आई होप कि आपको वीडियो ऐसी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।